रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज के टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास होते क्या हैं और इनको हम मैयर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन देख लेते हैं। सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनके एटॉमिक मासेस को जब हम सम अप करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, जैसे नीचे Cl2 एग्जांपल दी हुई है। Cl2 एक मॉलिक्यूल है, इसका हम मॉलिक्यूलर मास कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एक Cl2 कि एक एटम का एटॉमिक मास जो होता है वो 35.45 होता है। ठीक है, तो Cl के दो एटम यहाँ पे यूज़ हुए हैं, तो 35.45 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 70.90 और अप्रोक्सीमेटली ये इक्वल होता है 71 amu एटॉमिक मास यूनिट के। ठीक है, इसी तरह वाटर का मॉलिक्यूल है। वाटर का मॉलिक्यूल का अगर हमने मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करना है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। ठीक है, और हाइड्रोजन के यहाँ पे दो एटम यूज़ हुए हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस ऑक्सीजन का एक एटम यूज हुआ है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। इनको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18 amu एटॉमिक मास यूनिट। सो क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास होता है 70.90 और वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हमें मेजर करना हो तो कार्बन का एटॉमिक मास, कार्बन एटम का एटॉमिक मास होता है 12 प्लस 16। 16 किसका होता है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन के दो एटम यूज हुए हैं तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 44 amu 44 एटॉमिक मास यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक एग्जांपल दी गई है कि आप HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड का कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड का आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें। ठीक है, अगर HNO3 हम इससे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास? 1 होता है। 1 प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 प्लस फिर ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम्स यूज़ हुए हैं तो 16 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 48। ठीक है, 1 प्लस 14 प्लस 48 ये इक्वल आ जाता है 63 के। ठीक है, 48 प्लस 14 ये 62 के इक्वल होते हैं, 62 प्लस 1 इज इक्वल टू 63। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है फार्मूला मास। फार्मूला मास हम किसी भी आयनिक कंपाउंड का कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है हम ये देखेंगे इसमें। ठीक है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट। पिछले टॉपिक में मैंने बताया था कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको हम फार्मूला यूनिट के फॉर्म में लिखते हैं और जो मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, एंड द सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन वन फार्मूला यूनिट इज कॉल्ड फार्मूला मास। आयनिक कंपाउंड का जो फार्मूला लिखा जाता है वो फार्मूला यूनिट होता है। उस फार्मूला में जितने भी एटम्स होंगे उनके एटॉमिक मासेस को जब हम सम अप करेंगे तो हमारे पास फार्मूला मास आ जाएगा उस सब्सटेंस का। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं NaCl। ठीक है, NaCl का हम एटॉमिक मास फार्मूला मास कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके सोडियम का और क्लोरीन का हम एटॉमिक मास लिखेंगे। ठीक है, उनको सम अप करेंगे और हमारे पास फार्मूला मास आ जाएगा NaCl का। ठीक है, सोडियम का होता है एटॉमिक मास 22.99 तो ये इक्वल हो जाता है 23 की तकरीबन, और 35.45 जो है ये Cl का है, क्लोरीन का एटॉमिक मास है। जब हम दोनों को सम करते हैं तो ये आ जाता है 58.44 amu एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इस तरह CaCO3 का अगर फार्मूला मास फाइंड करना हो तो कैल्शियम का होता है 40। ठीक है, प्लस कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 एटम यूज़ हुए हैं। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये आ जाता है, ये 48 आएगा, 48 प्लस 12 आ जाएगा 60 एंड 40 100 amu के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो CaCO3 का फार्मूला मास क्या होता है? 100 एटॉमिक मास यूनिट। K2SO4 का फाइंड करना है हमने। ठीक है,
K2SO4 का फाइंड करने के लिए यहाँ पे पोटाशियम के दो एटम दिए गए हैं, ठीक है। तो पोटाशियम का एक एटम का एटॉमिक मास होता है 39, 39 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, प्लस सल्फर का कितना होता है 32, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के यहाँ पे चार एटम यूज हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है एक एटम का 16 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 78, 39 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 78, प्लस 32 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 64। तो K2SO4 का फार्मूला मैस आ जाता है 174 AMU। ठीक, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं पेज नंबर 14 पे, हम उनके आंसर देख लेते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर क्या बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड फार्मूला यूनिट। एम्पिरिकल फार्मूला और फार्मूला यूनिट में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। आंसर क्या है इसका, बोथ फार्मूलाज शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, बट वी राइट फार्मूला यूनिट इन केस ऑफ नॉन मॉलिक्यूलर आयनिक कंपाउंड, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला और फार्मूला यूनिट दोनों सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब हम एम्पिरिकल फार्मूला लिखते हैं तो हम मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस के केस में लिखते हैं, और जब हम फार्मूला यूनिट लिखते हैं तो हम नॉन मॉलिक्यूलर या आयनिक कंपाउंड्स के केस में, ठीक है, लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज मॉलिक्यूलर और आयनिक कंपाउंड, H2O2, CH4, C6H12O6, C2H12O11, BaCO3, NKBr। इनमें से ये बताना है कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड कौन से हैं और आयनिक कंपाउंड कौन से हैं। H2O2, CH4, C6H12O6, C12H22O11 ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, BaCO3, NKBr ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। एसिटिक एसिड को यूजुअली ऐसे लिखा जाता है CH3COOH, लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H4O2, ठीक है। किस तरह ऐसे लिख सकते हैं हम, कार्बन इसमें दो यूज़ हुए हैं, ठीक है, वन कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, ठीक है। H कितने यूज़ हुए हैं, 4 यूज़ हुए हैं, 3 ये है और 1 ये है, ठीक है, और 2 O यूज़ हुए हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं C2H4O2, ठीक है। तो अगर हम इसकी रेशियो फाइंड करें तो इसकी रेशियो आती है 2:4:2, 2 के टेबल से कट करें, 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 2 1s are 2, तो ये आ जाती है 1:2:1, ठीक है। तो CHO को जब हम लिखेंगे तो CHO में पहले कार्बन की रेशियो क्या है, 1, ठीक है, इसको हम C लिख देंगे, 1 हम लिखते नहीं हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे रेशियो क्या है, 2 है, तो H की कितनी होगी 2 और O की कितनी होगी 1, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ Na2SO4, ZnSO4 एंड CuCO3। इन तीनों का हमने क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास हमने इनका फाइंड करना है, ठीक है। तो Na2SO4, ठीक है, इसका जब हम फाइंड करेंगे तो Na सोडियम, सोडियम के एक एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ठीक है, 23 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस सल्फर का कितना होता है 32 होता है, और उसके बाद ऑक्सीजन का 16 होता है, एक एटम का चार एटम यहाँ पे यूज़ हुए हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 ये हो जाएगा 142 के इक्वल आएगा, 142 AMU मॉलिक्यूलर मास होता है Na2SO4 का, ठीक है। ZnSO4 का क्या होता है, Zn के एक एटम का एटॉमिक मास होता है 65.39, प्लस नेक्स्ट है सल्फर, सल्फर का कितना होता है 32, प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के चार एटम यूज हुए हैं, ऑक्सीजन के एक एटम का 16 होता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 ये हो जाता है 64, ठीक है। 65.39 प्लस 32 प्लस 64 ये हो जाता है 161.39 AMU, ठीक है। ZnSO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 161.39, ठीक है। इस तरह CuCO3 का मास फाइंड करना है, ठीक है। कॉपर का कितना होता है, कॉपर का 63 होता है, प्लस कार्बन का 12 होता है, और ऑक्सीजन के यहाँ पे तीन एटम यूज हुए हैं और एक एटम का 16 होता है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, तो ये आ जाता है 48 प्लस 12 प्लस 63 ये आ जाएगा 123, ठीक है।